सोशल मीडिया पर एक ट्वीट खूब वायरल है। ट्वीट में एक आर्टिकल का लिंक है जिसके मुताबिक अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लिखा है कि अमेरिकी फेडरल एजेंटों द्वारा उन पर धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए। एक ट्विटर यूजर ने भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक यूजर ने लिखा कि हमारी सरकार को धन्यवाद कि भारत में फाइजर की अनुमति नहीं दी गई थी। याद कीजिए कि कैसे केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अशोक गहलोत ने फाइजर वैक्सीन की खुलकर वकालत की थी। राइट विंग प्रोपोगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया के CEO राहुल रोशन ने ऐसे ही एक दावे को रिट्वीट किया। इसके अलावा कई यूजर्स ने यह दावा ट्वीट किया, जबकि असलियत ये है कि ये कोई सच्ची खबर नहीं बल्कि एक मजाकिया वेबसाइट द्वारा लिखा गया व्यंग्य था जिसे लोगों ने सच मान लिया। हमने देखा कि ट्वीट के वायरल स्क्रीनशॉट में vancouvertimes.org वेबसाइट का लिंक है। जब हमने इस वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में देखा तो पाया कि ये एक मजाकिया वेबसाइट है और इस पर व्यंग्यात्मक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। बाद में लोगों को गलतफहमी न हो इसलिए वेबसाइट ने आर्टिकल के आखिर में लिख दिया कि ये एक व्यंग्य था। कुल मिलाकर फाइजर के वाइस प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के बारे में मजाकिया तौर पर एक आर्टिकल लिखा गया था जिसे कई यूजर्स ने असली मानकर शेयर किया। इससे पहले भी फाइजर की वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर गलत दावे किए गए थे। ऐसे ही एक वायरल दावे में कहा गया था कि फाइजर की वैक्सीन मेड इन चाइना है।